अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे आदम जी कोचिंग सेंटर के रीजनिंग क्वेश्चंस जूलॉजी फर्स्ट ईयर। पहला सवाल हमारे पास है, व्हाई फैट्स आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो है हमने मॉडल पेपर रीजनिंग पार्ट वन में डिस्कस कर लिया है, इसका लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाई सीलिएट्स एंड सिक्टोरिया आर लिंक क्लासेस। सीलिएट और सिक्टोरिया दो क्लासेस हैं और ये आपस में लिंक्ड क्यों हैं? तो ये चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे, बुक में भी लिखी हुई है कि सिक्टोरियंस जो हैं क्लोजली रिलेटेड हैं टू सीलिएट्स और ये क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। सही है, इवॉल्व हुए हैं। किस तरह से हुए हैं कि जो सीलिया थे उनसे इवॉल्व होके सिक्टोरियंस बने। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था ना कि रेप्टाइल्स इवॉल्व होके बर्ड्स बने थे, यानी रेप्टाइल्स की जब एवोल्यूशन हुई थी, तो इसी तरह जो है सीलिएट्स से सिक्टोरियंस आए। तो सिक्टोरिया के पास भी एक मैक्रोन्यूक्लियस, सिक्टोरियंस के पास भी जो होता है एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो हमारा जो है जेनेटिक फंक्शन या फिर जो है रिप्रोडक्शन का जर्म सेल्स टाइप फंक्शन परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन के, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो सोमेटिक इन नेचर होता है। तो ये जो है सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाकी सारी चीजें देखता है। यंग इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास सीलिया होता है और क्लास सीलिएट्स में उनके पास भी सीलिया होता है, स्विमिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो सेडेंट्री होते हैं ना वो जो है सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, मतलब वो फिर जो है वो मूवमेंट वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी अगला सवाल पूछा गया है कि व्हाई साइनोसिस आर ऑल्सो नोन एज ब्लू बेबीज। साइनोसिस को ब्लू बेबीज क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले तो आपने पता होना चाहिए कि साइनोसिस बेसिकली होता क्या है। तो साइनोसिस क्या होता है हमारे पास, कि ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाती है स्किन में, यानी जो स्किन होती है ना वहां पे जो है ब्लू कलर, ब्लू अपेयर होने लगती है स्किन। क्यों होती है? क्योंकि एक्सेसिव कंसेंट्रेशन जो होती है ना रिड्यूस हीमोग्लोबिन की, यानी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एक्युमुलेट हो जाता है ब्लड में। ठीक है, इसी की वजह से इन्हें कहा जाता है ब्लू बेबीज। अब ये होता क्या है कि जब फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट डिफेक्ट आ रहता है, जैसे कि सेप्टल डिफेक्ट आ रहता है, जिसकी वजह से राइट साइड और लेफ्ट साइड का ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट वगैरह कर रहा होता है बॉडी में, और फिर स्किन पे भी इसकी वजह से जो कलरेशन आती है वो रिड्यूस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आती है। इसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद होता तो उसका कलर डार्क होता है रेड, इसकी वजह से इसकी ब्लू अपेयरेंस होती है और इन्हें साइनोसिस या ब्लू बेबीज कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज सो फास्ट व्हाइल फर्स्ट इज स्लो। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है इतना फास्ट क्यों होता है जबकि प्राइमरी यानी फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो लो होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो हमेशा तेज होता है प्राइमरी के मुकाबले, 3 से 5 दिन में ये डेवलप हो जाता है, जबकि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसको डेवलप होने में 5 से 10 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब ये होता किस तरह से है, ये जो इस तरह से होता है कि जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है ना, यानी कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, तो उसके रिजल्ट में इम्यूनो यानी कि मेमोरी सेल्स बनते हैं और वो क्रिएट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ताकि जब सेकेंड एक्सपोजर होता है तो बॉडी उसको बहुत जल्दी से रिकोगनाइज कर लेती है और अपना एक्शन शो करती है। तो इस वजह से जो है इफेक्टर सेल्स या इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की वजह से जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? तो आपने ये याद रखना है कि एंजाइम्स जो होते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को, ये जो बायो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, और क्या खुद एंड में बिल्कुल अनचेंज रहते हैं। यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि ये जो है इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन को बिल्कुल चेंज नहीं होने देते हैं, बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो ये काम कर रहे हैं कैटलिस्ट का, क्योंकि ये लिविंग बॉडी में है इस वजह से इन्हें कहा जा रहा है बायो कैटलिस्ट। उसके बाद बोल रहे हैं, व्हाई मार्सुपियल्स आर बॉर्न इमेच्योर। मार्सुपियल्स आर बेसिकली पाउच मेमल्स। मेमल्स की 3 टाइप्स होती है, उनमें से एक मार्सुपियल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जो कैंगरू वगैरह होते हैं तो वो जो है इमेच्योर बॉर्न क्यों जाते हैं? तो इसका रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं मॉडल पेपर रीजनिंग पार्ट 2 में, इसको भी वीडियो के लिंक से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।